वराड या गावातील ग्रामपंचायतीचा जो गैरव्यवहार समोर येतोय, जो पैशांचा घोळ समोर येतोय, यासाठी आता या संपूर्ण बातम्यांचा परिणाम म्हटलं जाईल। यासाठी आता सामाजिक कार्यकर्ते, जे आपण माहितीचे अधिकार क्षेत्रातले महत्त्वाचे कार्यकर्ते म्हणून ज्यांना आपण जळगावकर ओळखतो, ते दीपक कुमार गुप्ता या संपूर्ण विषयाचा पाठपुरावा करतायत। सर, काय सांगणार, हा संपूर्ण विषय कसा आहे, या विषया संदर्भात आपल्याला नेमकी काय माहिती मिळाली आहे? मुझे है ना, मेरे पास में ना अभी एक महीने पहले है ना नागरिक लोग मेरे पास में आए और उन्होंने बोला कि हम पिछले 8 महीने से पाठपुरावा कर रहे हैं हमारा, लेकिन हमारे पाठपुरावे को यश नहीं मिल रहा है। और मुझे लेखी में उन्होंने तकरार दी मेरे पास में कि आप हमारे साथ में हमारा साथ दो। मैंने उन लेखी तकरार को उनको मान देते हुए मैं ना जिला परिषद में गया। जिला परिषद में जो डेप्यूटी CEO है उनसे मिला मैं, लोखंडे साहब है, उनसे मिलने के बाद में ना जो तकरारी को है ना कोई भी 8 महीने से नहीं हो रहा था, सेम डे में नोटिसें निकाली गई हुई है और नोटिसें निकाल के है ना कार्रवाई की हुई है, ऐसा मुझे बताया बाद में उन्होंने। लेकिन है ना जो कार्रवाई है ये बहुत ही तुटपुंजी है और मेरा इसके लिए इनका जो मांगनी है कि यहाँ के जो विकास का पैसा है वो है ना यहाँ पे गायब है, जगह पे रस्ते नहीं है, जो है ना वीर वगैरह बताया हुआ है वो जगह पे वीर नहीं है, जूनी वीर को जो है उसी को नया बता के पैसा खा लिया गया हुआ है। तो ये पैसे के वापस लाने के लिए मेरा पाठपुरावा है, मैं है ना इनके साथ में कर रहा हूँ, इनका साथ दे रहा हूँ मैं। और दूसरा है ना, मैं ना अभी पंकज आशिया साहब है वो उनके तक भी है ना ये बात मैं पहुँचाने की कोशिश करता हूँ, उनसे मिलने का टाइम भी मांगा हुआ है लेकिन वो टाइम कुछ देते नहीं मिलने के लिए। उनको है ना एक बार कार्यालय में भी गया, उनको मैसेज भी किया कि साहब आपका टाइम दो, लेकिन है ना वो दूसरे कमरे से उधर की उधर निकल गए वो मिलने को टाइम। तो मतलब एक कहीं कहीं है ना शंका ऐसी होती है कि है ना वरिष्ठ अधिकारी जो IAS अधिकारी है क्या वो भी शामिल है क्या? जिस प्रकार से है ना एक कलेक्टर साहब है जो हर उसमें ध्यान देते हैं, तो है ना जो उनके विभाग का विषय ना होते हुए भी अभिजीत राउत साहब है ना कम से कम सुन तो भी लेते हैं, वो अगर नहीं भी रहा और संबंधित को तकरार पहुँचाते, लेकिन है ना इनके खुद के विषय पंकज आशिया साहब के विषय खुद का विषय हो के विभाग का वो सुनने को तैयार नहीं है। तो एक ना कहीं हमारे मन में प्रश्न चिन्ह निर्माण होता है कि कहीं ये भी शामिल तो नहीं है। अच्छा, म्हणजे गुप्ता जी तुमचं असं म्हणणं आहे की या संदर्भात कारवाई केली गेली, सेम डे ला लेटर निघालं, पण त्या लेटर मध्ये नेमकं काय म्हटलं होतं, कोणत्या प्रकारची कारवाई या लेटर मध्ये करण्यात आली? जो है ना बाद में ना जो लेटर निकाला उनको कारण दाखल नोटिस निकाला हुआ है उसी दिन सेम डे में, उसके बाद में उन्होंने कोई भी जवाब नहीं ऐसा मुझे है ना BDO ने बताया। और उसके बाद में ना उन्होंने ये ना एक इंक्रीमेंट जो है वो है ना उनकी स्टॉप की हुई है ग्राम सेवा की, मतलब है ना एक प्रकार से ना ये स्वीकृति है कि यहाँ घोटाला हुआ है। अच्छा, मग आता या संपूर्ण विषयामध्ये आपण नेमकं काय काम करतात आणि या विषयाला कसं मार्गी आपण लावणार आहात? इसके विषय में अभी है ना ये कि संबंधित अधिकारी अभी ये विषय कलेक्टर साहब और ऊपर वरिष्ठ अधिकारी तक के मंत्रालय तक के मैं लेके जाऊंगा, और अगर वहाँ तक भी अगर न्याय नहीं मिलता है तो है ना फिर इसको कोर्ट में आगे हाई कोर्ट में इसको है ना लड़ा जाएगा ये केस। अच्छा, अगदी खरं आहे, आपण जे माहिती अधिकार कार्यकर्ते म्हणून ओळखले जातात ते दीपक कुमार गुप्तांशी देखील या विषयावर बोललोय आणि शेवटपर्यंत या विषयाला लढा देऊन न्याय मिळवून देण्याचा प्रयत्न ते देखील करणार आहेत। आवाज मराठी चॅनलच्या माध्यमातून देखील आम्ही हा संपूर्ण विषय वेळोवेळी लावून धरणार आहोत, त्यामुळे कुठे जाऊ नका, पाहत राहा आवाज मराठी। गांधी तीर्थ निसर्गाच्या सानिध्यात महात्मा गांधींच्या जीवनावरील जगातील पहिले मल्टीमीडिया म्युझियम आजच भेट द्या गांधी तीर्थ जैन हिल्स जळगाव। अधिक माहितीसाठी www.gandhifoundation.net वर विजिट करा।